हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है, कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से, ठीक है। इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कामागा टामारु घटना, यानी कामागा मारू घटना, इसका भी गदर पार्टी के आंदोलन से गहरा संबंध था। कहते मार्च 1914 में कनाडा सरकार ने भारतीय कनाडा में आने पर जो है लगाया प्रतिबंध हटा दिया। 1914 में कनाडा सरकार ने भारतीयों को जो है कनाडा आने पर लगा प्रतिबंध जो है हटा दिया। तो उस समय कामागाटा मारू बॉम्ब जहाज में कनाडा के लिए भारतीयों की दुखदायी यात्रा शुरू हुई। बाबा गुरदीत सिंह सिंगापुर के एक भारतीय व्यापारी थे। व्यापारी ने जापानी फॉर्म से कामागाटा मारू जहाज लिया और सिंगापुर, हांगकांग तथा अन्य स्थानों पर रहने वाले भारतीयों को जो है वैंकूवर भेजने का प्रबंध भी किया गया। और कहते हैं इस योजना अनुसार 4 अप्रैल 1914 को यह जहाज 376 भारतीयों को एक साथ वैंकूवर की यात्रा के लिए रवाना हुआ। और कहते हैं जब 4 मई 1914 के यह जहाज वैंकूवर पहुंचा, तो कनाडा के अधिकारियों ने उन्हें प्रवासियों को कनाडा की धरती पर नहीं उतरने दिया। ये सबसे बड़ी घटना थी कामागाटा मारू की। ये घटना काफ़ी महत्वपूर्ण थी, यानी कामागाटा मारू जो बॉम्ब जहाज के कनाडा के लिए भारतीयों को जो दुखदायी यात्रा शुरू हुई, वो बाबा गुरदीत सिंह और सिंगापुर भारतीय व्यापारियों के बीच हुआ। लेकिन जब ये जहाज वैंकूवर पहुंचा, तो कनाडा के अधिकारियों ने उन्हें प्रवासियों कनाडा की धरती पर नहीं उतरने दिया। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि इस कॉलोनी में विभिन्न जाति रंगभेद के लोगों के लिए जगह नहीं है। यानी उन्होंने यह कारण बताया कि कॉलोनियों में विभिन्न जाति रंगभेद के लोगों के लिए जगह नहीं है। और इस प्रकार जो है लगभग 2 महीनों तक उन यात्रियों को बिना प्राथमिक सुविधाएं, बिना खाना पीना दिए लगभग कैदियों सा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। उन्हें केवल अपने साथ लाए गए खाने के सामान से ही गुजारा करना पड़ा। कहते हैं दोस्तों, दो महीने का समय कम नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी घटना के रूप में यहाँ पर साबित हुआ। इसके बाद 23 जुलाई 1914 को कामागाटा मारू के कनाडा तट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी देखा जाए तो 23 जुलाई 1914 को कामागाटा मारू के कनाडा तट छोड़ने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस जहाज को योकोहामा पहुंचने से पहले ही प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गए थी। यानी देखा जाए योकोहामा पहुंचने से पहले ही प्रथम विश्व युद्ध जो छिड़ गए थे, जो कि 1914 से 18 तक लड़े गए थे। अंग्रेजी सरकार ने आदेश जारी कर दिए कि यात्रा कर रहे यात्रियों को कहीं और नहीं केवल कलकत्ता बंदरगाह पर ही उतारा जाए। अब देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि अंग्रेज सरकार ने साफ आदेश जारी कर दिए कि यात्रा कर रहे यात्रियों को कहीं और नहीं केवल कलकत्ता बंदरगाह पर ही उतारा जाए। इसे भारतीय समुदाय में जो है रोष की लहर दौड़ गई। उन्होंने जहाज को वापस यात्रा पर प्रत्येक बंदरगाह पर नाराजगी प्रकट की और यह घटना अंग्रेजों के विरुद्ध में जो है लोगों को इकट्ठा करने में काफ़ी सहायता सिद्ध हुई, क्योंकि लोगों ने जो नागरिक परेशान हो रहे थे, जो जहाज पे थे, उनके साथ दुराचार कर किए जा रहे थे। सितंबर 26 1914 को जहाज कलकत्ता के पास जो है पहुंचा, यानी बज स्थान पर पहुंचा, जहां पर उसकी पूरी खोजबीन की गई कि हथियार आदि तो नहीं लाए गए हैं तथा कोई भी राजद्रोही सम्मान तो नहीं लाया गया है। उस अवस्था में भारतीय यात्रा जो पहले से ही परेशान और उत्तेजित थे, अधिकारियों के उद्भव और दमनकारी रवैये ने और भी उनको जो है भड़का उठे और काफ़ी वहां पर देखा जाए तो झड़पें भी हुई। और इस झगड़े के कारण देखा जाए तो 18 लोगों की जान चली गई और 200 यात्रियों को कैद कर लिया गया, जबकि बाबा गुरुदेव सिंह तथा कुछ यात्री गुप्त रूप से बाहर निकलने में सफल हो गए। गिरफ्तार किए गए यात्रियों को पंजाब भेज दिया गया और इस प्रकार देखा जाए तो कामागाटा मारू यात्रा का दुखदायी अंत हो गया।
परंतु राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में अन्य घटनाओं के समान यह घटना भी काफ़ी प्रेरणादायी सिद्ध हुई तथा स्वतंत्रता संग्राम के दिलों में एक नया जोश पैदा कर दिया। देखा जाए तो कामा माटा मारूज घटना जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और गदर पार्टी की गतिविधियों के लिए ये और भी महत्वपूर्ण बन गई।